देवभूमि हिमाचल में कई शिवालय हैं। हर शिव मंदिर की अपनी मान्यता व एक अलग इतिहास है। जिला कांगड़ा के रक्कड़ उपमंडल में कालीनाथ कालेश्वर महादेव का मंदिर है, इसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव का ऐतिहासिक पांडव कालीन मंदिर है। मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ लंबे समय तक प्रवास किया, इसी दौरान उन्होंने इसका निर्माण किया था। देहरा में कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के बारे में एक जनश्रुति के अनुसार यह शिवलिंग प्रतिवर्ष एक जौ के दाने के बराबर पाताल में धंसता चला जा रहा है। जब ये शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तो युग का अंत हो जाएगा। यह भी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि सतयुग में शिवालिक पहाड़ियों में जालधर दैत्य का आतंक था। उससे परेशान देवता ऋषि मुनियों ने अपनी शक्तियों से महाकाली को जन्म दिया। उन्होंने कुछ ही क्षणों में जालंधर और अन्य देवताओं का नाश कर दिया। दुष्टों के सहार के बाद भी जब काली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव खुद युद्ध भूमि पर लेट गए और क्रोधित माता का पैर उन पे पड़ गया। माँ काली को जैसे ही एहसास हुआ वह एकदम शांत हो गई, लेकिन उन्हें बार बार इस गलती का अफसोस होता रहा। प्रायश्चित के लिए वर्षों तक हिमालय पर विचरती रही। एक दिन वह कालेश्वर में व्यास नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। भोलेनाथ ने उस समय उन्हें दर्शन दिया और स्थान को ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब से स्थान को काली और शिव यानी कि कालीनाथ कमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। कालेश्वर महादेव मंदिर पांडव काल में निर्मित हुआ। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे, तब भगवान शिव की अद्भुत पिंडी से मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि जब पांडव कुंभ मेले के लिए यहाँ से नहीं जा पाए तो 5 तीर मारकर उन्होंने पहाड़ से जलधारा निकाली थी। यहाँ 5 तीर्थों का पानी निकला था और इसी कारण इस स्थल को पंचतीर्थी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने करीब 2 साल पहले कालेश्वर महादेव को राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों में शामिल किया है। इस सूची में शामिल स्थल का केंद्र सरकार खुद संरक्षण करती है। इसमें 20 अन्य स्थलों को भी शामिल किया गया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।